मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड ग्रोइंग क्रॉप्स। एंड इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि एग्रीकल्चर क्या होता है। व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर होता है एक बड़े स्केल पे क्रॉप्स को ग्रो करना कॉमर्शियल यूज के लिए, जिससे कि एक फार्मर अपना मनी भी मतलब गेन कर सके, तो उसको कहते हैं एग्रीकल्चर। सो टू ग्रो क्रॉप्स ऑन अ लार्ज स्केल फॉर कमर्शियल यूज इज अ कॉल्ड एग्रीकल्चर। एक फार्मर को अच्छी क्रॉप ग्रो करने के लिए जरूरी होता है कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करे और अच्छी क्रॉप को ग्रो कर सके। तो ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? फर्स्ट है नंबर वन, लविंग द फील्ड। सेकेंड, मैन्यूरिंग एंड एडिंग फर्टिलाइजर। नंबर थ्री, सोइंग ऑफ सीड्स। नंबर फोर, इरिगेशन द फील्ड। नंबर फाइव, स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड। हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप। Now I will explain these steps one by one. First step है plowing the field. तो सबसे पहले एक farmer को field की soil देखनी होती है कि उसकी soil किस type की है। अगर वो soil clay type की है तब वो जो ground है या field है वो rice के लिए suitable है। अगर वहाँ की उस field की soil sandy type की है तो उसके वो groundnut की crop के लिए suit करती है। इसलिए ये जानना जरूरी होता है कि उस फील्ड की सॉइल जो है वो किस क्रॉप्स के लिए को मतलब किस क्रॉप को सूट करती है। उसके बाद फील्ड को प्लग किया जाता है बाय ट्रैक्टर्स या बाय ऑक्स। उसके बाद सेकेंड स्टेप है मैन्यूरिंग एंड एडिंग फर्टिलाइजर। सॉइल को फर्टाइल करने के लिए हम उसमें अच्छी क्वालिटी के मैन्योर और फर्टिलाइजर्स एड करते हैं। थर्ड स्टेप, सोइंग ऑफ सीड्स। अब हम बीज बोते हैं, अब एक फार्मर को बीज बोने होते हैं, जिसमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि सीड्स जो है बेस्ट क्वालिटी के होने चाहिए और उसके बाद उनको सो करते टाइम उनके बीच में प्रॉपर स्पेस होना चाहिए ताकि जैसे जब क्रॉप प्लांट्स ग्रो करते हैं तो उन्हें फैलने के लिए प्रॉपर स्पेस मिल सके। नेक्स्ट है इरीगेशन ऑफ द फील्ड। उसके बाद फील्ड को टाइम टू टाइम पानी चाहिए होता है, तो उसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर टाइम टू टाइम हमें देना होता है और ये देना चाहिए। नेक्स्ट है स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड्स। फिर जो क्रॉप्स होती हैं उनके जो प्लांट्स हैं उनको तरह तरह की डिजीजेस से बचाने के लिए और पेस्ट से बचाने के लिए हम उसमें पेस्टिसाइड्स स्प्रे करते हैं। उसके बाद एक छोटा सा स्टेप ये और होता है कि जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं उनके साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो करने लगते हैं जो कि क्रॉप प्लांट्स के साथ कम्पीट करने लगते हैं न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए और उस सॉइल से जो मिनरल्स हैं उनको लेने के लिए, जिससे क्रॉप्स प्लांट्स को लॉस होता है। इसलिए टाइम टू टाइम वो वीड्स, वो जो पौधे होते हैं अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम वीड्स कहते हैं, उनको रिमूव करना होता है। तो उनको भी जो रिमूव करने की प्रोसेस होती है उसे कहते हैं वीडिंग।
एंड लास्ट में हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, जब हमारी क्रॉप्स तैयार हो जाती है तो उसके बाद उसको काट कर स्टोर करना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। तो उसके लिए हमें एयर टाइट कंटेनर्स चाहिए होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा क्रॉप्स होती हैं तो उसको हम कंटेनर में तो रख नहीं सकते, इसलिए उसके लिए बहुत बड़े बड़े प्लेसेस होते हैं जिन्हें कहते हैं सिलोज या फिर ग्रेनरीज, तो वहाँ पर इन्हें स्टोर कर दिया जाता है क्रॉप्स को। थैंक यू।